नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ आप सबके समक्ष टेक खबरें लेकर के। तो ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है और आज की टेक न्यूज़ तो काफ़ी कम है क्योंकि आज है सैटरडे, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो 5 मिनट से कम में ये वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। पहली खबर आ रही है Redmi Note 8 और Note 8 Pro की तरफ से। तो भाई परसों लॉन्च के टाइम जब Redmi Note 8 और Note 8 Pro को लॉन्च किया गया था तो मनु जैन से जब पूछा गया कि ये फ़ोन इंडिया में कब आएगा तो उन्होंने बोला कि इस फ़ोन को इंडिया में आते आते लग जाएंगे 2 महीने, मतलब 8 हफ्ते उन्होंने बोला था, जो कि 2 महीने ही होते हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि 2 महीने में स्मार्टफोन का पूरा गेम चेंज हो सकता है और ये 64 मेगापिक्सल वाला पहला फ़ोन होने वाला था। वैसे तो है लेकिन इंडिया में होने वाला था क्योंकि उससे पहले Realme XT आ जाएगा जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ ही है। तो मुझे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ाई सी लग रही हैं। इन्होंने बोला हम टेस्टिंग पे ज़्यादा, मतलब टेस्टिंग वगैरह में 8 हफ्ते लग जाएंगे। ऐसी कौन सी टेस्टिंग सर, गवर्नमेंट टेस्टिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे जो 8 हफ्ते लग जाएंगे? मेरे ख्याल से फ़ोन 2-3 हफ्ते में आ जाना चाहिए था, बट अब देखते हैं फ़ोन हमें कब देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है दिवाली के टाइम पे ये फ़ोन हमें देखने को मिलेगा। अगली खबर निकल करके आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के एक सस्ते वेरिएंट पे काम कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की जो प्राइस थी वो तकरीबन $2000, हर कोई उस प्राइस को पे नहीं करता और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड वैसे ही एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोन था। मैं बोलूँगा एक्सपेरिमेंटल क्योंकि इस टाइप का पहले ही फ़ोन देखने को मिला था और पहली बारी में आप हमारी जेब से सब कुछ ले रहे हो तो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उस फ़ोन को। तो सैमसंग एक सस्ते वेरिएंट पे काम कर रहा है जो कि $1000 का होगा, रफली अराउंड ₹71,000, 71,000 का। इस फ़ोन में 256 GB स्टोरेज होगी जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ओरिजिनल फोल्ड में 512 GB की स्टोरेज थी। थोड़े बहुत और कट डाउन्स होंगे फ़ोन में डेफिनेटली क्योंकि $1000 जब कट रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें कटेंगी फ़ोन में, बट देखते हैं ये फ़ोन कितनी जल्दी हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है। जो लोग OnePlus का फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी मज़ेदार वाली न्यूज़ है क्योंकि OnePlus 7 और 7 Pro पे इंस्टेंट ₹2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो लोग अगर OnePlus 7 और 7 Pro को खरीदना चाहते हैं तो ₹2000 फ्लैट ऑफ है कि ना, बिना किसी ऑफर के, बिना किसी कुछ के डायरेक्टली जाओगे ₹2000 ऑफ मिल रहा है, तो आप OnePlus 7 या 7 Pro खरीद सकते हो। अब क्योंकि 7 और 7 Pro पे ₹2000 ऑफ का सिलसिला शुरू हो गया तो इससे समझ जाइए नया वेरिएंट आने ही वाला है। मतलब जैसे ही डिस्काउंट आता है फ़ोन पे उसके 1-2 महीने में इनका नया फ़ोन आ जाता है, तो समझ जाइए कि नया फ़ोन बहुत जल्दी रास्ते में ही है और 7 और 7 Pro को धक्का देके उनकी जगह लेने वाला है। जिन भी लोगों ने अब Redmi K20 Pro लिया उन लोगों के लिए खुशखबरी है भाई, Android 10 बीटा प्रोग्राम में उनका फ़ोन रजिस्टर होने वाला है 10 सितंबर से। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बीटा प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो। 10 सितंबर से ये बीटा प्रोग्राम आप लोगों के लिए खुल जाएगा। सिर्फ Redmi K20 Pro यूजर्स की बात कर रहा हूँ, Redmi K20 यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो K20 Pro अगर आपके पास है तो मजे उठाओ, Android 10 पे अपग्रेड करो। अगली खबर काफी चौंका देने वाली आ रही है। यहाँ पे ट्विटर के जो CEO हैं जैक डोरेसिस, इनका भाई ट्विटर अकाउंट ही हैक हो गया। मतलब ट्विटर के CEO का ही ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ ऑफेंसिव पोस्ट, ऑफेंसिव ट्वीट्स डाली गई हैं। बाद में उन्होंने बैक कर लिया, अपना अकाउंट रिकवर कर लिया, लेकिन डरने वाली बात यह है कि हम तो सिर्फ एक यूज़र्स हैं, जब CEO का ही अकाउंट हैक हो सकता है तो भाई थोड़ी टेंशन वाली बात है क्योंकि हैकर्स कितने पावरफुल हो गए हैं आजकल, आप समझ ही सकते हैं इस इंसिडेंट से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही खबरें थी टेक जगत से। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, जैसे Vivo Z1 X की कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुई हैं, तो ऐसी छोटी छोटी खबरें लीक हुई हैं लेकिन अभी इनकी विशेष पुष्टि नहीं हो पाई है। विशेष पुष्टि मस्त, मतलब इनकी कोई पक्की वो खबरें हमारे पास नहीं आई हैं। तो मंडे तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मंडे की टेक न्यूज़ में आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल के साथ सुनने को मिलेंगी। तो आज की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी जो मेन चीज़ें टेक दुनिया में चल रही है। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दीजिए एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस रोजाना देखने के लिए। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय।